हेलो गाइस, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। यदि आपका भी 1.20 में बहुत ज़्यादा लैग करता है एंड मेरा वीडियो देखने के बाद तुम्हारा लैग करना बहुत कम हो जाएगा एंड बहुत हद तक एफपीएस बूस्ट हो जाएगा। अरे हाँ, मानना तो पड़ेगा ही। एंड यहाँ सोडियम के साथ एक्स्ट्रा सोडियम होने वाला है जिससे तुम्हारा एफपीएस और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तुम्हें पता है कि ऑक्टिवन से ज़्यादा सोडियम सबसे ज़्यादा एफपीएस देता है, मतलब दो गुना ज़्यादा एफपीएस देता है। मैं सोडियम को होली रेंडर में चलाने वाला हूँ। लेकिन सुन के अच्छा लगा। तुम्हें पता है कि सोडियम एंजल रेंडर में चलता है एंड मुश्किल से चलता है एंड बहुत। तुम्हें पता है कि एंजल रेंडर में बहुत कम एफपीएस देता है एंड मैं इसे होली रेंडर में चलाने वाला हूँ। एंड वीडियो को पूरा देखना क्योंकि सारा मेथड में बताने वाला हूँ कि इसे कैसे मतलब इंस्टॉल करना है, सारा प्रोसेस में बताने वाला हूँ। एंड तुम्हें इन फाइल का लिंक तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाएगा एंड मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने के बाद तुम्हें ये वेलकम करेगा। उसके बाद तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है एंड तुम्हें नीचे मोड पैक का फोल्डर मिल जाएगा, जैसे कि ये मोड पैक ये वाला ऊपर वाला मोड पैक का फोल्डर मिल जाएगा एंड तुम्हें तीनों का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा, ठीक है। एंड तुम्हें डाउनलोड करने ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें उस पर क्लिक करना है एंड तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा वन क्लिक में। अब देखो डाउनलोड अगेन करना है और ऊपर देखो डाउनलोड शुरू हो गया, बस तुम्हें ऐसा डाउनलोड करना है, ठीक है। एंड तुम्हें तीनों फाइलों को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद तुम्हें पोजेब लॉन्चर ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पोजल मुझे ओपन कर लेते हैं एंड पेंसिल पे दबाना है एंड तुम्हें यहाँ 1.20 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ होली रेंडर चुन लेना है और जो पहले से इंटरनल 1.8 ये चुन लेना है। उसके बाद तुम्हें इंस्टॉल पर जाना है एंड हमें यहाँ फैब्रिक इंस्टॉल करना होगा। तो पहले हम फैब्रिक खोल लेते हैं, तो हमें फैब्रिक मिल गया है एंड हमें यहाँ फैब्रिक को दबाना है और इंस्टॉल हो जाएगा। हम पहले दबाते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा एंड तुम्हें कट दबाना है एंड तुम्हें माउस ऑन कर लेना है एंड तुम्हें यहाँ 1.20 सेलेक्ट करना है जो पहले से होगा एंड यहाँ तुम्हें इंस्टॉल लेना है। उसके बाद तुम्हें डाटा ऑन करना होगा, जो पहले से मैंने डाटा ऑन करके रखा है, इसे इंस्टॉल करने डाटा ऑन करना होगा। उसके बाद देखो इंस्टॉल हो गया एंड इसे बैक करते हैं। जो फोर्स क्लोज है ना ऊपर, जो फोर्स क्लोज उसे दबा के इसे बैक कर लेना, ठीक है। हम बैक कर लेते हैं एंड बैक हो जाने के बाद तुम्हें यहाँ 1.20 वाला फैब्रिक चुन लेना है, ठीक है। एरा 1.20 फैब्रिक वाला। उसके बाद तुम्हें सेव दबाना है। उसके बाद तुम्हें जेड अचीवर खोल लेना है एंड तुम्हें जो फाइल में डिस्कॉर्ड सर्वर मिल जाएगा एंड तुम्हें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद तुम्हें ऊपर एफपीएस बूस्ट का फाइल मिल जाएगा ऊपर वाला, उस पर जाना है एंड तुम्हें इन सभी फाइलों को कॉपी कर लेना, ठीक है। इन सभी फाइलों को कॉपी या कट कर सकते हो जरूरतमंद के हिसाब से, हमें से पहले कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद तुम्हें जाना है, उस कॉपी करने के बाद हमें जाना है डिवाइस मेमोरी में। उसके बाद रुको, डिवाइस मेमोरी में आते हैं। उसके बाद हमें जाना है एंड्रॉयड में, फिर डाटा में जाना है, ठीक है। डाटा में जाने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है एंड हमें यहाँ पोजेब लॉन्चर का फाइल मिल जाएगा, एरा पोजेब लॉन्चर का फाइल। फिर फाइल में जाना है, फिर डॉट माइनक्राफ्ट में जाना है, एरा डॉट माइनक्राफ्ट। एंड तुम्हें मोड का फोल्डर खोजना है, एरा मोड का फोल्डर। एंड तुम्हें यहाँ कर देना पे। अब इतना काम हो जाने के बाद अब हमें पोजेब लॉन्चर में हमें सोडियम पेचर यूज करना है। हमें इसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। एरा सोडियम पेचर, ये पोजेब लॉन्चर स्नैपशॉट वाला है ना, ये सोडियम पेचर है एंड ऊपर कट दबाना है। कट दबाने के बाद हमें जो यहाँ फोर्स पैचिंग है यहाँ दबाना है। और इसके बाद देखो फोर्स, पहले हमें सोडियम चुन लेते हैं, फोर्स पैचिंग दबाना है और यहाँ ओके दबाना है। बस हो गया पैचिंग। अब हमें ऊपर कार दबाने के बाद हमें इसे बैक कर लेते हैं एंड हमें इसको साथ साथ कुछ पोजल लॉन्चर में कुछ सेटिंग करना होगा। सेटिंग में आना है और जो वीडियो रेंडर है उसमें होली रेंडर कर लेना है। उसके बाद जो रेजोल्यूशन स्केलर है इसे तुम 70 या 75 कर सकते हो। इसके फोन में लो एंड प्रोसेसर वो 65 कर सकता है, ठीक है। 65 या 60 कर सकते हो। इन सभी ऑप्शन को ऑन कर लेना जिससे तुम्हारा सीपीयू उतना लोड नहीं पड़ेगा। और जो जावा टास्किंग है एंड रन टाइम मैनेजर को 17 कर देना, JR 1764 bit। इसका लिंक डिस्कॉर्ड सर्वर में डाउनलोड कर लेना, डिस्कॉर्ड सर्वर में। एंड मेमोरी एलोकेशन, जो मेमोरी एलोकेशन जिसके पास 4 GB मतलब 8 GB रैम है वो 4 GB या 3950 कर सकता है। एंड जिसके पास 6 GB रैम है वो इतना कर सकता है, इतना नहीं, तुम काम करो, उसके पास 6 GB रैम है तुम इतना कर सकते हो, ठीक है, इतना, ठीक है। वो जो जिसके पास 4 GB रैम है वो इतना कर सकता है, जिसके पास 2 GB 3 GB रैम है वो 980 या 820 कर सकता है। उसके लिए अच्छा होगा, उतना लोड नहीं पड़ेगा और हीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हें जो ये सेटिंग कर लेना है, और मैं अभी काम करता हूँ, मैं अभी 3 GB कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे लिए अभी इतना ही, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इसके बाद जो ये सेटिंग कर लेना है वो 17 वाला, ठीक है। उसके बाद हमें कर देना है सेव। उसके बाद हम करते हैं प्ले, तुम्हारा गेम खुल जाएगा। उसके बाद हम वीडियो सेटिंग पे आते हैं और यहाँ ऑक्टिफन की जगह पर सोडियम आ जाएगा। सोडियम और एक्स्ट्रा सोडियम डिटेल्स है, पार्टिकल है, क्या एनिमेशन है, परफॉर्मेंस है, क्वालिटी है, जनरल है। एंड अभी हम डन कर देते हैं। अभी हम काम करते किसी वर्ल्ड में जाते हैं, कितना एफपीएस दे रहा है देखते हैं। सिंगल प्लेयर पे आते हैं और हम इस वर्ल्ड पे जाते हैं 1.20 सर्वाइवल वर्ल्ड, तो इसी पे जाते हैं, देखते हैं कितना एफपीएस दे रहा है। वेट करते हैं खोलने का।
एंड मैं अभी वर्ल्ड में आ चुका हूँ एंड हमें कुछ सोडियम में भी कुछ सेटिंग करना होगा। हम यहाँ पे आते वीडियो सेटिंग में एंड हमें यहाँ जो रेंडर डिस्टेंस है तुम इसे 4-5 कर सकते हो, मैं इसे अभी 4 रखता हूँ, ठीक है, ये रहा 4 में, ठीक है। और जो चंक्स है ये चंक्स तुम 12 या 12 कर सकते हो, 12, ठीक है। उसके बाद सेटिंग देख लो मैंने जैसा कि ऐसा कर लेना, ठीक है। तुम इसे स्क्रीन शॉट कर लो, उसके बाद जो सेटिंग ऐसे कर लो, उसके बाद हम आते हैं क्वालिटी में। क्वालिटी में आने के बाद देखो ऐसा कैसा सेटिंग है, क्लाउड को ऑफ कर देना, इसे अनटिक कर देना, ठीक है, फास्ट वैसे तुम फास्ट कर देना, इससे और भी कम लैग करेगा जो। और देखो कैसा सेटिंग है, एंटिटी सेटिंग को ऑफ रखना। और परफॉर्मेंस पे आते यहाँ देख लो सेटिंग कैसा है, एडवांस पे भी ऐसा कुछ सेटिंग है, ऐसे तुम एक करना, ठीक है, जीरो मत करना, उससे जीरो पे कुछ नहीं होगा, बस कम में बेस्ट एक करना, एक, ठीक है। उसके बाद आते एनिमेशन पे, अरे एनिमेशन एंड तुम इसे बस फायर पे रखना, फायर बस वो जो क्या बोले वो आग है ना, आग का एनिमेशन उसको शो करता है, ठीक है। पार्टिकल पे सबको तुम ऑफ कर देना, जो तुम्हारा लैग करता है और बेस कम देता है तुम इसे ऑफ कर सक, मतलब तुम इसे अनटिक कर देना, ठीक है, अनटिक से सब ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये रहा कुछ जैसे पार्टिकल है, जैसे पार्टिकल होता है ना पेट्रोन पर कुछ पार्टिकल गिरता है वो वाला, और जो ये रहा पार्टिकल कुछ ऑप्शन है तुम इसे अनटिक कर देना। और डिटेल्स पे आते हैं, डिटेल्स पे तुम जिसका है वेदर है तुम इसे ऑन रखना, क्योंकि बहुत ग्राफिक्स मतलब बुरा रहता है। और जो ये रेंडर है, रेंडर कुछ ऐसा रखना जो कि मैंने ऐसा रखा, प्लेयर नेम टैग जो नीचे वाला है, और एक ऐसा सेटिंग है फॉग है, फॉग को ऑफ रखना, जो अलग पॉकेट दिखता है, पॉकेट एडिशन जैसे फॉग है। और जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है इसे शो बेस वाला है, जो ऊपर एबीएस शो करता है वो वाला है, ये शो बेस वाला है, ठीक है। देख सर जो ऊपर देखो पहले डन करते हैं, और देखो साइड में एबीएस शो, अभी एबीएस शो नहीं कर रहा, अभी देखो एबीएस शो नहीं कर रहा ना, अभी देखो पहले दोबारा इसे आते हैं ऑप्शन में आते हैं, वीडियो सेटिंग में आते हैं, और शो एबीएस एंड शो बेस एक्सटेंड दोनों को पहले ऑन करते हैं, ऑन अप्लाई करते हैं। आप देखो मतलब दोनों शो करता है, वो एबीएस भी और मैक्स फ्रेम रेट कितना गया वो दिखाते हैं, ठीक है। ये था सोडियम एंड ये मतलब एबीएस को स्टेबल रखता है, 60-70 एबीएस आ सकता है तुम्हारे एरिया में। जैसे हाई एंड फोन है मेरा तो अभी मिडिल फोन है, उतना भी अच्छा उतना भी बुरा भी नहीं है। एंड कुछ ऐसा सेटिंग था, आप देखो 60-65 के एबीएस आ रहा है, 61 मतलब 60 के मतलब 50 के नीचे जा ही नहीं रहा, बस इतना ही एबीएस आ रहा है। सोडियम बहुत अच्छा है, बहुत हद तक ये बेस को लॉक करता है, मतलब लॉक बहुत ज़्यादा बेस है एंड बहुत हद तक लैग को कम करता है। ऑक्टिफाइन उतना गेम को उतनी तरह से ऑक्टिमाइज नहीं कर पाता जितना कि सोडियम, सोडियम गेम को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखता है और ऑक्टिफाइन उतना बैलेंस नहीं रख पाता। एंड सोडियम बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलता है, ऑक्टिफाइन उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता। हम सोडियम में बहुत पार्टिकल को ऑफ कर सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल उसे ऑफ कर सकते हैं, पर ऑक्टिफाइन में बस एनिमेशन और कुछ चीज़ों को ही ऑफ कर सकते हैं। ये रहा देख सकते हो सोडियम में इतना एबीएस, मतलब एबीएस उससे ज़्यादा नीचे ही नहीं गिर रहा, देखो इतना था। एंड ये रहा सोडियम जो कि मैंने इसे होली रेंडर में चलाया, एंड तुम्हें पता है कि सोडियम बहुत ज़्यादा एबीएस देता है एंड ये एबीएस को बहुत बैलेंस रखता है। एंड तुम्हें जो भी फाइल है तुम्हें ये डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाएगा, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लो। एंड जितना भी अभी फाइल आने वाला है, जितना भी मोड पैक आने वाला है, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर आने वाला है, तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड तब तक के लिए बाय बाय।